पाकिस्तान खित्ता अर्ज पर मौजूद 195 ममालिक में से एक है। ये तरक्की पजीर मुल्क बेशुमार माशी, सियासी और समाजी मसाइल में घिरा हुआ है। इन मसाइल में बढ़ती हुई आबादी, गुर्बत, जहालत के साथ साथ पेशगी मजदूरी की सनतें भी शामिल हैं। इस शोबे से मुंसलिक अफराद काम के हुसूल के लिए मुख्तलिफ इलाकों से हिजरत करके आते हैं और किसी कारखाने या सनत के मालिक के पास खुद को गिरवी रख देते हैं। ऐसी ही सनतों में एक बड़ी सनत भट्टा है, जहां ये अफराद पेशगी लेकर उनके यहां काम करने लगते हैं और वक्तन फवक्तन जरूरियात जिंदगी जैसे शादी, बीमारी या वफात के अखराजात के लिए मजीद पेशगी लेते हैं, जिसकी वापसी के लिए ये नस्ल दर नस्ल गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। ये गरीब खाना बदोश, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे शामिल हैं, बेशतर मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हकीकतन ये अपने रस्म व रवाज को भूलकर 12 से 15 घंटे भट्टों पर काम करने पर मजबूर हैं। आने पे 4-5 बजे टोका लाने, टोका ला के इट काटने पे 1200 4 जी असी ने ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਡੇਲੀ ਲਾ ਕੇ ਗਾਹ ਹੁੰਦਾ ਅੱਠੀ ਦਿਨ ਸਾਡਾ 4,000-5,000 ਇੱਟ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ 1,000-1,200 ਖਰਚਾ ਹੱਥੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਤਕਰੀਬਨ 6,000 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਟੇ ਹੈ ਜਿਨ ਮੇ ਸੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਉਨਕੀ ਤਾਦਾਦ ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਹੈ और 1,00,000 से ज्यादा वर्कर्स इस पेशे से मुंसलिक हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। ये तमाम लोग जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। इनके पास ना तो कोई मुस्तकिल रिहाइश है, ना पीने का साफ पानी, ना अस्पताल, और ना ही उनमें से कोई हिफाजती टीका और शनाख्ती मुहिम का हिस्सा बन पाता है। बदकिस्मती की बात यह है कि ऐसे लोगों की बेहतरी के लिए हुकूमती सतह पर बहुत कम कोशिश की गई है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से यूएन के ज़ैली इदारों बशमूल यूनिसेफ ने इन लोगों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद की और उनके मसाइल को हुकूमती और निजी सतह पर मुतारफ करवाया। इसके साथ साथ उन्होंने ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जो उनकी बुनियादी जरूरियात जिंदगी के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम को चलाने और इन भट्टों की कम्युनिटी को बेहतर मयारे जिंदगी देने के लिए यूनिसेफ ने बुनियाद एनजीओ का इंतखाब किया। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बुनियाद को एक मौका मिला है यूनिसेफ से कि हम ईंटों के जो भट्टे हैं उनके बच्चों को हम तालीम दें। तकरीबन 1100 बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी जिंदगी बेहतर कर रहे हैं। 30 भट्टों से हमने ये 1100 बच्चे इकट्ठे किए हैं, क्योंकि बुनियाद का मिशन ये है कि गुर्बत की वजह से कोई बच्चा तालीम से ना महरूम हो जाए, ना कोई लड़की हो ना औरत हो। बड़ी खुशी होती है कि जब वालदैन अपने बच्चों में इतना एतमाद करें कि इस तालीम से, इस मुश्किल वक्त से वो गुजर जाएंगे तो बच्चों की ज़िंदगी बेहतर होगी, और उनके वालदैन को शनाख्ती कार्ड बना के दिए हैं। यही एक मिशन है कि कोई बच्चा ईंटों के भट्टे में हो या कैमल जॉकी बच्चा हो या कोई और बच्चा हो या नौजवान हो, हर बंदे को कलम उठाएंगे तो फिर गुर्बत बताएंगे। यही मिशन है, आए सब ये मिलकर करें, क्योंकि यही पाकिस्तान को मजबूत करेगा। बुनियाद फाउंडेशन ने इस प्रोग्राम को लाहौर जिला में शुरू किया, जहां पर 10,000 से ज्यादा बच्चे और औरतें भट्टों पर काम कर रहे हैं। यहां पर बुनियाद के जेर इंतजाम एक सर्वे किया गया, जिससे ये पता चला कि 12% बच्चे स्कूल जाते हैं और बाकी 88% स्कूल जाने से महरूम हैं। इसी तरह 88% लोगों के पास ना तो घर है, ना पीने का साफ पानी, ना सेहत की सहूलियात, ना खेल कूद के मौके, और साथ ही साथ ये बात भी सामने आई कि 90% वर्कर्स पेशगी और सूद में घिरे हुए हैं, जिनकी वापसी के लिए उन्हें
12 से 15 घंटे काम करना पड़ता है। मतलब दबाव उठा जाने लेंदे इस वजह तू बच्चे की शादी करन लगे लै लै ते मतलब फिर सर्कट साडा मजदूरी थोड़ी काम ज्यादा साडा अच्छा ते मतलब इस तरह चढ़दे चढ़दे रह जांदे ने ओह ला सकदे नहीं है ओह फिर उत्ते जड़े आंदे ने साडे ओह पेट ही मसे पूरा करने है। सर्वे के बाद बुनियाद ने यूएन के इदारे यूनिसेफ की मदद से भट्टों पर सेंटर खोले जो कि सबसे मुश्किल मरहला था। इस दौरान बुनियाद के स्टाफ ने भट्टा मालकान और कम्युनिटी को बड़ी उमदगी से आमादा किया कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो उन और उनके बच्चों के फायदे में है। मेरा नाम मलक खादम हुसैन है। मैं कोई 94 से भट्टा लगाया, 16 साल का अरसा गुजर चुका भट्टा लगाए। लेबर जो है हम कोई फोटाबाद से कोई बाहुल नगर से कोई किधर से आते हैं लोग, इनके पास घर नहीं है। तकरीबन भट्टे पे 40 से 50 खानदान रहते हैं और बुनियाद फाउंडेशन वालों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आके भट्टे पे स्कूल बनाया है और लोगों के बच्चे जो इनके वो तालीम हासिल कर रहे हैं। बुनियाद ने लाहौर के 8 मुख्तलिफ इलाकों में सेंटर शुरू किए। और हर सेंटर पर 100 बच्चों को रजिस्टर्ड किया गया जिन्हें न सिर्फ बुनियादी तालीम से आगाही दी जाने लगी बल्कि साथ ही साथ 14 साल से ज्यादा उम्र के वर्कर्स को इदारे टोयोटा की मदद से महारती तरबियत दी गई और उसके साथ भट्टों पर मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनक्किद करवाए गए जिनमें सेहत और सफाई के मुतालिक आगाही, बुरी आदत से बचाव, टीचर्स और लर्नर्स के तरबियती कैंप और मुस्तकबिल में खुद को कायम रखने के लिए ग्रुप भी बनाए गए। इस तरह हर लोकेशन पर 2 चाइल्ड काउंसिल बनाई गईं, जिनकी माली इमदाद भी की गई। इसके अलावा उन्हें नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज, माली इमदाद, लैटरीन और अस्पताल की सहूलियात मुहैया की गई। बुनियाद फाउंडेशन वालों ने इधर काफी काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे जिम्मेदार जो लोग इधर स्कूल में आते हैं, अफसर आता है जो बच्चों को पैसे भी देता है, जित किताबें मुफ्त, अभी तो वर्दियां दी हुई हैं। हमारे बच्चे बहुत खुश हैं और हमें भी खुशी मिलती है उनको देख कर कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, आगे जाके कोई और काम, नौकरी वगैरह भी लग जाएंगी। मेरा नाम शमैला है, मेरे मियाँ का नाम शराफत अली। असी फोटावास तो आए, असी पहला इत्थे आए तो कुछ भी नहीं सी, फिर आए स्कूल खुलिया तो बच्चों सब कुछ मिलया, फिर साढ़े शनाख्ती कार्ड मिले, फिर सिलाई का प्रोग्राम बनाया, सेंटर सिलाई का भी उन्हें खोल दिता, बच्चिया वाल सीख रही ने, बहुत अच्छा काम बच्चे भी करते हैं स्कूल का, बच्चे माशाला बहुत सलाम बुला देने, हर एक अच्छा तरीका सीखते जाते हैं, बस्ते वर्दियाँ बूट जराबा हर एक चीज उन्होंने बच्चों ने दी, साथों लैके नहीं दिती जाती सी, ना असं स्कूल भेज सकते स, उन्होंने सब कुछ दिता है, हर एक चीज ये बहुत कीमती चीज़ा सू साथों नहीं खरीदिया जाती, असं पथेर करने इन्नी महंगाई में पेट ही मसा पाल दिया। बुनियाद वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इन्ना कुछ साढ़े वास्ते किया। बुनियाद ने इस काम को बहुत ही मुनज्जम मॉनिटरिंग और अच्छी हिकमत अमली से सर अंजाम दिया। इस दौरान बहुत ही काबिल अफराद ने हफ्ता वाराना मॉनिटरिंग की। ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए जो काम करना, ये भट्टा लेबर के लिए काम करना, ये एक इतना आसान टास्क नहीं था क्योंकि इसमें एक हर किस्म की ग्रुपिंग माफिया वो यहाँ पे मौजूद था। उनके होते हुए भट्टा ओनर्स को और लेबर को जो कि ख़ास तौर पर मुख्तलिफ एरिया से माइग्रेट होके आई हुई थी, उनके अपने अपने रस्म रिवाज होते हैं, उनके मुताबिक उनको एक चीज़ की तरफ मोटिवेट करना, ख़ास तौर पर एजुकेशन की तरफ उनके बच्चों को लेके आना, ये इतना आसान टास्क नहीं होता। शुरू में तो भट्टा ओनर जो है ना वो इस चीज़ की परमिशन नहीं देते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम के साथ उनसे मीटिंग्स की, बार बार उनसे रबता किया गया, तो वो इस चीज़ की तरफ गामजन हुए कि हाँ तालीम इंसान के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत है और इसको ज़रूर नई नस्ल तक जो है ना हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगरचे भट्टा मालकान, कम्युनिटी और हुकूमती इदारे, बुनियाद फाउंडेशन, यूनिसेफ ने इस प्रोग्राम और काविश को कामयाब करने के लिए बढ़ चढ़ कर कोशिश की, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हम इन लोगों को नजरअंदाज न करें और इस शोबे से मुंसलिक अफराद की माशी, समाजी और माली इमदाद करते रहें ताकि ये मुल्क
اور اس کے افراد قائم و دائم رہیں. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. رحمت یارو تج نے اے چل دیش بنایا اگلے جہان جا پتا لگ سی تے کی کھٹیا کی کمایا.